Hi guys, this is Ashish. Welcome to my channel Digital Book, and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that never miss a video from Digital Book. Today we are going to study about programming and languages. What are the topics to be covered under this? What is program? What is programming? Programming languages. What are the programming languages and translators? Okay, first of all, what is program? A program is nothing but a set of instructions written in a correct order to get desired output. Program is a set of logically related instructions that is arranged in a sequence in order to solve a particular computational problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक डिजायर्ड ऑर्डर में लिख के जो सब इंस्ट्रक्शन होता है वो पूरा इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम. वो इंस्ट्रक्शन मींस कोड्स. ओके, देन व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. जिस तरीके से वो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इन द सेंस, आप लोग डीजे लाइट देखे होंगे, डेकोरेशन लाइट देखे होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से ब्लिंक होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ प्रोग्राम सेट किया होता है. ओके, एंड व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? Programming language, the communication medium for the user to interact with computer. It is of three types. Programming language क्या होता है? जिस language से, जिस भाषा से computer से user बातचीत करता है और user से computer का बातचीत होता है उसे बोलते हैं हम programming language. हमारा normal language तो वो समझता नहीं, हिंदी तो समझता नहीं, तो वो क्या क्या language समझता है? Low level language होता है एक, मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है. आइए इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं. फर्स्ट, लो लेवल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड राइटिंग प्रोग्राम इज डिफिकल्ट. लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल होता है. इसके अंडर आता है मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन. जो भी प्रोग्राम लिखा होता है, जो भी कोड लिखा होता है, बस जीरो एंड वन के सिवा कुछ नहीं होता वहाँ. एंड ऑल्सो दिस कॉन्टेंट्स ऑपरेशन कोड्स स्पेसिफाइंग ऑपरेशन. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या करेगा, क्या ऑपरेशन होगा, क्या काम करेगा, ये सब ऑपरेशन कोड ही बताता है. इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई ट्रांसलेटर जरूरी नहीं होता है. ट्रांसलेटर इन द सेंस, जो कि मैं एक भाषा में बोल रहा हूँ, जो सुनने वाला है वो मेरा भाषा समझ नहीं पा रहा है, तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो ट्रांसलेट करके सुनने वाला को समझाएगा. वैसे ही इसमें कोई भी ट्रांसलेटर जरूरी नहीं होता है. एंड दीज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन, ये बहुत फास्ट ही चलता है. इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड राइट MLP. वेरी डिफिकल्ट होता है, समझने में बहुत मुश्किल होता है, और MLP और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है. और ये मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब ये मशीन में चलेगा, वो मशीन में चलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं. और ये डिफ़िकल्ट टू डिबग एंड मॉडिफाई. डिबग मतलब फाइंडिंग एरर, जो भी एरर होता है वो ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है और उसे ठीक करने में बहुत मुश्किल होता है. मस्ट टू नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये उसे जानना जरूरी है लो लेवल लैंग्वेज को, इसलिए ये भी एक सबसे बड़ा दिक्कत है. देन सेकेंड, मिडिल लेवल, और इसे भी कहते हैं असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं, ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये स्पेशल सिंबल यूज करता है. स्पेशल सिंबल इन द सेंस डिजिट यूज करता है, अल्फाबेट्स यूज करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करता है, फॉर एग्जांपल एट द रेट,
dollar, ampersand, percentage, etc. and cannot be executed directly by the CPU. CPU से direct ये run नहीं हो सकता. इससे assembly language program को एक जरूरत होता है एक translator, जो जिसे हम assembler बोलते हैं. वो convert करेगा machine level और object code में. उसके बाद object code execute होगा. direct assembly language program CPU के साथ CPU के द्वारा execute नहीं होगा. For example, load A5. Load A5 मतलब 5 जो value है वो स्टोर होगा रजिस्टर A में. जब हम माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे ये सब चीज समझ में आ जाएगा. लोड B7, 7 जो वैल्यू है वो लोड होगा B रजिस्टर में. एट AB, A और B दोनों रजिस्टर को ऐड करके जो वैल्यू है उसे ऐड करके वो A रजिस्टर में स्टोर करेगा. इसका एडवांटेज क्या है? राइटिंग प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज मोर कन्वीनिएंट देन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज से बेहतर है ये प्रोग्राम लिखने में. और उसका डिसएडवांटेज ये है कि मशीन लैंग्वेज जितना फास्ट चलता है ये उतना फास्ट नहीं चलता. और ये भी मशीन डिपेंडेंट है और ये भी डिफिकल्ट टू राइट है. डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में जितना ईजी होता है प्रोग्राम लिखना, इसमें उतना ईजी नहीं होता है, उतना दिक्कत आता है बहुत. देन कम टू हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज के हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं और इसे लेटेस्ट भी बोलने से कोई दिक्कत नहीं है. लेटेस्ट भी बोल सकते हैं. ये जनरली जनरल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा होता है. इसमें भी सिंबल होता है, डिजिट्स होता है और ये भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता सीपीयू के. एग्जाम्पल फोर्ट्रान, बेसिक, जावा, C++, पाइथन, C#. ओके, इसका एडवांटेज ये है कि इजी टू राइट, लिखने में बहुत इजी है, मॉडिफाई करने में इजी है. अगर कोई एरर आ जाए तो एरर ढूंढना भी इजी है. पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब कहीं भी किसी भी मशीन पे ये प्रोग्राम चलेगा. व्हाट इज ट्रांसलेटर एंड व्हाट इज हिज जॉब. ट्रांसलेटर का काम क्या है? ट्रांसलेटर का काम ये है कि वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जस्ट ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल सोर्स प्रोग्राम है, उसे कंपाइलर इन द सेंस ट्रांसलेटर, उसे क्या करेगा? कंपाइलर कंपाइल करके मशीन और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा सीपीयू से. और डायरेक्ट सोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है सीपीयू से. ओके, थैंक यू. हियर वी फिनिश्ड आवर टॉपिक. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू इंट्रोडक्शन टू सी. अभी से हम सी स्टार्ट करेंगे. ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम डिजिटल बुक. ओके, थैंक यू, बाय बाय.